नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, एक सवाल है लोगों के जहन में है कि जब महंगाई बढ़ती है तो महंगाई बढ़ने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, जब कच्चा तेल बढ़ता है तो गोल्ड पे क्या असर होता है, गोल्ड का दाम बढ़ेगा तो इक्विटी मार्केट पे क्या असर होगा, प्राइसिंग पे क्या असर होगा, इन्फ्लेशन पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। कच्चे तेल के महंगे होने से इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट सीधा प्रभाव पड़ता है। जब कच्चा तेल महंगा होगा ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, इंडस्ट्रियल आइटम महंगे होंगे, डिमांड तो ज़्यादा है पर सप्लाई कम है, ठीक है, प्रोडक्शन कट होने की वजह से भी तेल महंगा होता है, पाइपलाइंस के अटैक पे अटैक होने की वजह से भी तेल महंगा होता है, किसी लड़ाई के छिड़ जाने की वजह से भी, अगर लड़ाई ऐसी कंट्रीज में छिड़ी है जहाँ पे तेल एक स्रोत है, जैसे गल्फ कंट्रीज की बात करें, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करें, तो कच्चा तेल महंगा होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में जो सबसे पहले लोगों के दिमाग में जाता है वो ये जाता है कि इक्विटी से पैसा बाहर आने लगता है। जितने भी FIIs होते हैं, बड़े निवेशक होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इक्विटी से पैसा निकालने लग जाते हैं। वो सारा पैसा जो शिफ्ट होता है वो गोल्ड में शिफ्ट होने लग जाता है, वो डॉलर्स में शिफ्ट होने लग जाता है। प्राइस राइज होता है, करेंसी का प्राइस हाइक होने लगता है, गोल्ड का प्राइस हाइक होने लगता है, क्योंकि लोगों को लगता है सबसे सेफ हेजिंग टूल गोल्ड है। तो जब कच्चा तेल और गोल्ड आपस में बिल्कुल पॉजिटिव को रिलेशनशिप रखते हैं, तो इसलिए जब आप देखते हैं कच्चा तेल महंगा है तो गोल्ड के दाम भी बढ़ने लग जाते हैं, और उसी समय इक्विटी में एक अलार्म की स्थिति होती है। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो बीते सालों में जब कच्चा तेल $150 के पार हुआ था तो इक्विटी की क्या हालत हुई थी, आप देख सकते हैं पुराने इतिहास में जाके, इक्विटी धड़ाम हुई थी। तो कच्चे तेल के ऊपर जरूर ध्यान रखिए, लड़ाई जैसी स्थिति के ऊपर ध्यान रखिए। अगर गोल्ड में बहुत ज़्यादा प्राइस राइज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि गोल्ड जो डिमांड है उसमें शिफ्ट हो रहा है, इक्विटी से पैसा बाहर आ रहा है। दोस्तों, हमेशा ऐसा होगा कि इक्विटी मार्केट और गोल्ड मार्केट या क्रूड ऑयल मार्केट का आपस में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कच्चा तेल महंगा हो जाए तो वो एक खतरे की घंटी हो सकती है, वो एक खतरे का आगाज है कि इक्विटी मार्केट से बाहर होना लाजमी है। क्योंकि अगर हाल फिलहाल के डेटा को देखें तो निफ्टी या मार्केट की जो PE है वो अभी 28 से 29 की रेंज में घूम रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा अलार्म है, जहां पे GDP दर 4.5% के आसपास है, बाजार में ग्रोथ नहीं है, मनी का सर्कुलेशन नहीं है, बिजनेसेस ठप हैं, वहां पे अगर कच्चा तेल बढ़ने लगे, गोल्ड बढ़ने लगे, तो आप समझदार हैं कि आपको क्या करना है। दोस्तों, बहुत क्लियर सी चीज है कि गोल्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन बिल्कुल पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, और हाँ, इनके विपरीत इक्विटी इनसे, स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, वो इनसे नेगेटिवली कोरिलेटेड है। जब आपका उछाल गोल्ड में, क्रूड ऑयल में और इन्फ्लेशन बढ़ने लगेगी तो इक्विटी मार्केट ज़रूर नीचे आएगी। सोच समझ के पोर्टफोलियो बनाइए, सोच समझ के स्टॉक मार्केट में निवेश कीजिए, क्योंकि हर समय निवेश करना भी समझदारी नहीं होती, कभी कभी दूर रह के बाजार को देखना, बाजार का आकलन करना बहुत समझदारी होती है। दो कदम पीछे जाके अगर आप रेस करना चाहते हैं तो रेस में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा अगर आपके पास कैपिटल पड़ी है, उसको लगाने की अगर इच्छा जागृत है कि मुझे पैसा लगाना है, तो कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है अगर आपने इन फैक्टर्स को नहीं देखा। तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक जो निवेश करना चाहते हैं, देखिए ट्रेडर का मतलब क्या है, ट्रेडर तो लॉन्ग पोजीशंस भी बना लेते हैं, शॉर्ट पोजीशंस भी बना लेते हैं, बट जो निवेशक हैं, निवेशक हमेशा लॉन्ग होते हैं, वो इक्विटी को बाय करते हैं लंबे समय के लिए। तो अगर आपके आसपास का माहौल ऐसा बन रहा है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस अगर ऐसे बन रहे हैं कि जहां पे कच्चा तेल महंगा हो सकता है, गोल्ड महंगा होता दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती दिखाई दे रही है, तो एक खतरे की सुगबुगाहट है, बाजार से निकलने का या बाजार से थोड़ा सा दूरी बनाने का समय है। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और इस रिलेशनशिप को आप अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।